बहुत खराब लग रहा है, लेकिन कभी भी किसी दिन भी मुझे नहीं पता कब खुलेगा नहीं खुलेगा। जब भी खुलता है तो मैं देखती हूँ, कभी खुला या पता चलता है मुझे तो मैं यहाँ पे आके आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ इसके अंदर में क्या क्या ब्रांड का आप लोगों को। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ऑन रिकॉर्ड। गाइस आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में गाइस। तो आज मैं स्वागत सही से नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि गाइस मैं आई थी आज बारासात। यहाँ पे बहुत फेमस एक सिराजुद्दीन पार्क है, उसे हाथीपुर के नाम से भी जानते हैं, तो बहुत अच्छा है गाइस। तो मैं सोची थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं इतना गर्मी में आई, बताओ कि आप लोगों के साथ सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन इतना बैड लक है कि बंद है, क्या बताओ बताओ, क्लोज है। तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों से पूछी भी कि क्यों बंद है या खुलेगा पार्क, तो ये लोग बोल रहे कि बहुत दिनों से बंद है। लेकिन मैं अगर इंटरनेट में देखी थी तो गाइस वहाँ पे ओपन दिखाया था, बट यहाँ पे आके देख रही हूँ बंद है। बताओ कोई भी इतने दूर से आएगा, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे इसमें, इसके अंदर में जाके इंजॉय करेंगे, जो भी, तो बंद रहेगा तो कितना खराब बात है। उन लोगों को दिखा देना चाहिए कि क्लोज है या ओपन रहेगा, जो भी उन लोगों को मैप में दिखा देना चाहिए था, बट क्लोज है, क्या बोलूँ। तो मुझे बहुत खराब लग रहा है, लेकिन कभी भी किसी दिन भी मुझे नहीं पता कब खुलेगा नहीं खुलेगा। जब भी खुलता है तो मैं देखती हूँ, कभी खुला या पता चलता है मुझे तो मैं यहाँ पे आके आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, इसके अंदर का पूरा व्यू आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं इतने गर्मी में गाइस निकली तो सोची कि चलो आप लोगों को आसपास में कुछ होगा तो मैं दिखा दूँ। तो मैं इसके आसपास में देखी तो वो भी काफी दूर में है, कोई कोई प्लेस देख रही तो वो काफी दूर है, जो अभी जाना पॉसिबल नहीं है, जाते जाते अंधेरा हो जाएगा तो बेकार होगा जाना। तो इसके पास में गाइस मध्यम ग्राम है, तो मध्यम ग्राम के पास एक स्टार मॉल है, फेमस है वो भी। तो चलो मैं आप लोगों को वहाँ पे जाके दिखाऊंगी वो मॉल में क्या क्या है, नहीं है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए प्लीज गाइस आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, और मैं आप लोगों के साथ ये पार्ट भी जरूर किसी दिन आके जरूर शेयर करूंगी। तो चलो गाइस अब हम लोग वहीं जाके मिलते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे कितना सारा मतलब राइडिंग का भी था काफी अच्छा, और उसके पास भी इसका एक हिस्ट्री भी है, तो मैं आ जाती तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, बट मैं आप लोगों को गेट के बाहर से ही दिखा रही हूँ। ये देखिए बाहर में, कोई बात नहीं, मैं किसी दिन आऊँगी जरूर शेयर करूँगी। बट ये लोग क्यों बंद रखे हैं कुछ आइडिया नहीं है, किससे पूछ भी रही हो तो वो लोग भी नहीं बता रहे कि क्यों बंद है यहाँ पे, पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं फिर किसी दिन आकर। सो फाइनली हम आ चुके हैं स्टार मॉल के, मैं पास में ही खड़ी हूँ, नीचे खड़ी हूँ बिल्कुल। तो मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ इसके अंदर में क्या क्या ब्रांड का आप लोगों को शॉप मिलेगा, फूड जोन है या नहीं है, सब कुछ ऑल टोटल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलो गाइस उसके लिए तो अभी आप लोगों को मेरे ब्लॉग में बने रहना होगा, तो फिर चलते हैं। चलो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अनलिमिटेड फन का, ये देखिए बाउंसी ट्रामपोलिन है 150 रुपीज़ है, पांडा ट्रेन है 100 रुपीज़, फिर बाउंसी है 100 रुपीज़, बाइक है 100 रुपीज़, कार है 100 रुपीज़। ये देख सकते हो यहाँ पे कितना कुछ है फन के लिए, बहुत अच्छा है गाइस यहाँ पे। ये देख सकते हो आप लोग एंटर करते हैं यहाँ पे नायका का, आप लोग देख सकते हो कॉस्मेटिक का शॉप है ठीक इसके पास में। ये देखिए आप लोग स्पेंसर है यहाँ पे, तो आप लोग इसके अंदर जाके भी कुछ भी शॉपिंग ये कर सकते हो इसके अंदर में। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे मतलब फोटो स्टूडियो, आप लोग यहाँ पे फोटो क्लिक भी कर सकते हो, ये देख सकते हो आप लोग। वो यहाँ पे गेट इन का पूरा कुर्ती का कलेक्शन है, कुर्ताज का कलेक्शन है यहाँ पे। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे कौन कौन सा ब्रांड का आप लोगों को यहाँ पे शॉप अवेलेबल है। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे ट्रेंड्स का पूरा वुमेन का कलेक्शन इसके अंदर में है पूरा। ये देखो ट्रेंड्स के ठीक ऑपोजिट में ही देखो रैनी का, यहाँ पे पूरा बैग्स मिल रहा है आप लोग को, यहाँ पे बैग्स मिलेगा। फिर आप लोग को यहाँ पे साड़ी का कलेक्शन है, कुर्ता का कलेक्शन है, ये साड़ी तो कितना प्रीटी लग रहा है। तो आप लोग इसके अंदर जाके प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ भी आप लोगों को जो पसंद है आप लोग ले सकते हो। ये देखो वेडिंग ड्रेसेस भी यहाँ पे मिल रहा है, और रैनी के ठीक बगल में ये देखो आप लोग क्या है, कैंडल व्हील है। अभी यहाँ पे समर का देखो बाय 3 गेट 5 देखो फ्लैट 20% ऑफ दे रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों को अगर पसंद आता है तो ये शॉप के अंदर में भी जाके आप लोग विजिट कर सकते हो। और इसके ठीक बगल में देखो वीवा का ब्रांड का कलेक्शन है यहाँ पे, देखो कुर्तीज का कलेक्शन, आप लोगों को गाउन का कलेक्शन, बहुत सारा कलेक्शन मिलेगा यहाँ पे भी 20% ऑफ में अभी जा रहा है।
और उसके ठीक बगल में देखो पेंटालून्स है, तो आप लोग इसके अंदर में भी जाके शॉपिंग कर सकते हो। और ये देखो पेंटालून्स के ठीक बगल में ये देखो रंग गीती है, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन लग रहा है। ये येलो मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप लोग। गाइस पेंटालून्स तो मैं इसके अंदर में जाके थोड़ा दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या है यहाँ पे कलेक्शन, क्या क्या मिल रहा है, चलो देखते हैं। वो इसके ठीक नीचे में पेंटालून्स के मतलब पूरा नीचे में यहाँ पे पूरा मेल का कलेक्शन है, आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। तो मैं अभी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। ये देखिए ये 549 में बहुत सारा टी शर्ट का कलेक्शन दे रहा है, बहुत सारा है। तो चलो फर्स्ट फ्लोर में भी गाइस यहाँ पे स्पेंसर है, और ठीक उसके बगल में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। देखिए पूरा बैग पर्स का कितना सुंदर यहाँ पे मिल रहा है, सारे देख सकते हो आप लोग। फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे शैडो नेल का मिल रहा है, और यहाँ पे शोपीस आप लोग को घर पे मतलब सजाने का पूरा यहाँ पे मिल रहा है। फिर इसके ठीक बगल में चॉकलेट का शॉप है, देख सकते हो आप लोग कैंडीज मिल रहा है यहाँ पे। और अब इधर पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या है, यहाँ पे भी सेम ट्रेंड्स है। और आगे में एकदम आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो पेंटालून्स है इसके बगल में, और ठीक ट्रेंड्स के गाइस देख सकते हैं आप लोग, ट्रेंड्स के ठीक बगल में मैक्स है, ये देखिए। तो हम लोग सेकंड फ्लोर में जाके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो चलो मैं अभी आपको सेकंड फ्लोर में दिखाती हूँ। फिर आप लोग यहाँ पे कॉस्मेटिक का लोटस रहने कलर बार बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हो ब्रांड का, आप लोग को कॉस्मेटिक का शॉप है यहाँ पे। और इधर पे ये देखिए तो यहाँ पे ज्वेलर का शॉप है, और यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग डिजायर यहाँ पे मिल रहा है, मतलब आप लोगों को इनर वेयर का यहाँ पे शॉप है। और ये देखो आप लोग यहाँ पे सिर्फ एकदम सीधे में आप लोग जो देख रहे हो स्ट्रेट में मैक्स का शॉप है यहाँ पे, सू फैक्ट्री है यहाँ पे, देखो सू का काफी अच्छा अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, मैं आप लोग को बाहर से दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ मॉल में आई तो मुझे सच बोले तो गाइस ये मॉल उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि काफी छोटा है, उतना बड़ा नहीं है। कोलकाता में तो आप लोग साउथ सिटी मॉल तो देखे हो, काफी बड़ा है, फिर सिटी सेंटर वो सब के मॉल के कंपेयर में ये मॉल मुझे उतना खास नहीं लगता है। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे आके आपको पता शेयर करूंगी, बट अफसोस मैं जहाँ जाने वाली थी वो तो बंद ही था, तो बैड लक था मेरा, आज पूरा दिन ही मेरा बेकार गया। तो कोई बात नहीं गाइस, अब क्या करें, मैं सोची चलो यहाँ पे आस पास में स्टार मॉल है, मैं आप लोग को वही शेयर करूँ। तो ठीक ही, उतना खराब भी नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा इसको बोलूँगी भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फिर किसी दिन मैं अगर आऊँगी तो वो पार्ट तो आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। और गाइस मैं यहाँ पे साउथ सिटी और कोलकाता का जो फेमस मॉल है वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी किसी दिन जाके। तो चलो अभी हम लोग कह दो सेकंड फ्लोर में हूँ, थर्ड फ्लोर में चलते हैं, तो वहाँ पर भी देखते हैं ऊपर में क्या क्या। थर्ड फ्लोर में गाइस आईनॉक्स है, तो आप लोग मूवी भी देख सकते हो अंदर में जाके आराम से। तो चलो अब मैं थर्ड फ्लोर में सिर्फ आईनॉक्स ही तो मुझे दिख रहा है गाइस, और बाकी बात यहाँ पे कुछ है नहीं, तो आप लोग देख सकते हैं देखिए। और यहाँ पे बार बियर का भी शॉप है, तो देखिए आप लोग। फिर यहाँ पे क्लास हाउस है, इंडियन चाइनीज तंदूर मिलता है यहाँ पे, ये देखिए। देखो यहाँ पे बार का पूरा यहाँ पे शॉप है, तो अंदर में जाके आप लोग चिल आउट भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे बस इतने ही आईनॉक्स है, थोड़ा बहुत बार का शॉप है, तो मैं फोर्थ फ्लोर में जाके आप लोग को दिखाती हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे रिलैक्स करने का, यहाँ पे टैटू भी है, फिर आप लोग को मजाक थेरेपी भी है यहाँ पे, देख सकते हो सबका प्राइस यहाँ पे लिख दिया है, देखिए आप लोग। तो यहाँ पे ये है, फिर इसके ठीक बगल में आप लोग को गेमिंग जोन है, तो मैं अभी आप लोग गेमिंग जोन भी अंदर में दिखाऊंगी। तो चलो फिर हम लोग वहाँ पे भी देखते हैं। गेमिंग जोन भी लगा है, काफी छोटा है, देख ही सकते हैं आप लोग गेमिंग जोन। Thank you.
और यहाँ पे देखिए तो मतलब फ्री स्पा भी यहाँ पे है, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे स्पा करने का, यहाँ पे फ्री स्पा भी है। ये वो हम लोग फूड जोन के अंदर में आए हैं, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक कॉफी वर्ल्ड है इसके अंदर में। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या है। चलो फूड जोन थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ पे, तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे इतना सारा गाइस आउटलेट है यहाँ पे देख सकते हो, मसाला किचन है, फिर आप लोग को यहाँ पे चाइना साउथ का भी यहाँ पे आपको चाइना रेसिपी भी यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। फिर ये देखिए ये देख सकते हो देसी स्ट्रीट है यहाँ पे, जूस का भी यहाँ पे शॉप है, बहुत सारा यहाँ पे फूड कोर्ट है। तो चलो मैं आप लोगों को और भी दिखाती हूँ, देखिए बैठने का अच्छा बना हुआ है गाइस, फूड कोर्ट मुझे थोड़ा ठीक लगा। यहाँ पे बहुत सारा आउटलेट है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। फिर आप लोग को यहाँ पे टी जंक्शन भी मिलेगा, टी का शॉप भी आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे फिश का आप लोग देख सकते हो, फिश कंपनी का यहाँ पे मिल रहा है शॉप है। फिर आप लोगों को KFC मिलेगा यहाँ पे, पिज्जा हट है। तो इतना कुछ यहाँ पे फूड कोर्ट का आउटलेट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो अच्छा है गाइस, यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मॉल में फूड जोन नहीं रहता, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सबसे लास्ट फ्लोर में गाइस मुझे यहाँ पे बस ये देखो यहाँ पे द लोकल का आप लोग को हुक्का का शॉप है। यहाँ पे आप लोग को कुछ भी ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे मिलेगा। तो चलो और इसके अंदर में आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, देखिए ये देख सकते हो बियर स्टेशन, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है आप लोग देख सकते हो। गुड फूड है यहाँ पे, गुड फूड है। फिर वेयर देयर इज फूड द फ्लेवर है यहाँ पे, टेस्ट द फ्लेवर्स ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड रेंज ऑफ बसंती हवा। देखो फिफ्थ फ्लोर में ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा अंदर में। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ पे है ये सब, मैं आप लोगों को ऑल टोटल डिटेल्स में बता रही हूँ। देखो यहाँ पे हाथ का लैंड है, यहाँ पे चाइनीज एशियन आप लोगों को पूरा मिलेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे रंग दे बसंती ढाबा भी है, चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए रंग दे बसंती ढाबा यहाँ पे, तो फाइनली मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया कि फूड कोर्ट है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मॉल में नहीं रहता है, और क्या क्या शॉप है सब कुछ आप लोगों को ऑल टोटल दिखा दी हूँ। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना गाइस, क्योंकि मैं आज ऐसे ही मेरा मूड बहुत अपसेट है क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा पाई। और एक तो इतना गर्मी है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है कोलकाता में, मुझे लगता है सब जगह ही पड़ता है, लेकिन कोलकाता में गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं बहुत परेशान हो गई और मैं बहुत टायर्ड भी हूँ, तो मैं फटाफट अब घर के लिए निकलती हूँ। तो प्लीज़ 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 गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस और लाइक कमेंट करना मत भूलना। तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।